हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बताएंगे नवरात्र में यदि देख लिया है स्वप्न। नवरात्र में स्वप्न देखना मानव जीवन के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि स्वप्न दर्पण के समान है। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल दिखाई देते हैं। ऐसे स्वप्न का महत्व समझना चाहिए। स्वप्न में वह संकेत भी दिखाई दे जाते हैं कि अमुक कार्य होगा या नहीं होगा या कब होगा। ये सारी चीजें स्वप्न लक्षण को देखकर जाना जा सकता है। हिंदू संप्रदाय में नवरात्र का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें लोग श्रद्धा से व्रत और पूजा करते हैं। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शुभ काल में देखे गए स्वप्न काफी फलीभूत होते हैं। यह बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी सभी पर अलग अलग लागू होता है, क्योंकि सबका शुभ काल अलग अलग होता है। जैसे मुस्लिम संप्रदाय में शुभ काल रमजान का महीना माना जाता है, उसी प्रकार बौद्ध में यह शुभ काल वर्षावास का काल माना जाता है। हिंदू संप्रदाय में नवरात्र शुभ काल माना जाता है। इसी प्रकार सभी का शुभ काल अलग अलग होगा, लेकिन स्वप्न लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। यदि स्वप्न में घोड़े की सवारी करते हुए देखे तो इसका मतलब है कि आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे तथा आप शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे। यदि सपने में कोई शेर देखे तो इसका मतलब है कि वह जल्दी ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेगा। यदि सपने में खाना बनाते हुए या दूसरों को खाना खिलाते हुए देखे तो आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना हो सकती है। यदि सपने में प्रसाद बांटते हुए देखे तो जल्दी ही शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। इसी प्रकार यदि सपने में देखे कि वह स्वयं फूल खा रहा है तो धन मिलने की संभावना हो सकती है। यदि सपने में स्वप्न दृष्टा मल मूत्र में अपने आप को सना हुआ देखे तो व्यक्ति की गरीबी होने के दूर होने के लक्षण हैं। यदि सपने में माता पिता या गुरु का दर्शन करते हुए देखे तो किए जाने वाले प्रयास सफल होंगे और अमुक कार्य में सफलता मिल सकती है। यदि सपने में देवी देवताओं, महान पुरुषों, दिव्य शक्तियों का साक्षात दर्शन हो तो इसका मतलब है कि शीघ्र ही भाग्य उदय होने वाला है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। इसी प्रकार नई नई जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर व कमेंट भी करें। धन्यवाद।